ये जी, मैंने चैट जीपीटी ओपन किया। चैट जीपीटी को मैंने एक टेक्स्ट दिया है कि वो मुझे आप उर्दू में लिख के दें। ठीक है, अभी मैं टाइप करके सेंड कर रहा था, देन चैट जीपीटी का रिप्लाई आ गया कि ये पोइट्री है, आपकी फीलिंग्स को शो करता है। मैंने फिर नीचे लिखा कि इसको रोमन से सिंपल उर्दू में लिख दो ब्रो, तो आगे से आप देखें। उसने सेम टू सेम वैसे कॉपी कर दी इंग्लिश में ही। तो मैंने पूछा कि ये उर्दू है यार? तो आगे से जवाब आया, हाँ ये उर्दू है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक शब्द का मतलब समझ नहीं आया या कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने रिप्लाई किया, यार जाहिलो तुम तो। तो मुझे खेद है, खेद है अगर आपको किसी बात ने दुख पहुंचाया। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। मैंने फिर लिखा, मैंने कहा मैंने लिखा है रोमन नहीं चाहिए, उर्दू चाहिए, मतलब प्योर उर्दू जो लिखते हैं वो चाहिए, जैसा कहा है वैसा करो। उसने खैर से फिर से वही लिख दिया। तो अब मैं इसे लिखने लगाऊँ कि ये आप पढ़ लें। मुझे खेद है अगर आपको मेरा जवाब पसंद नहीं है, या अगर आपको कोई और मदद चाहिए, या किसी स्पेसिफिक चीज़ पर बात करनी है तो बताइए, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। हम दोबारा इसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये जी उर्दू लैंग्वेज का हम इसे कह रहे हैं कि उर्दू में लिखो। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसे अक्ल आई है, वरना घंटे से ये पता नहीं कोई बदतमीजी पे उतर आया था। अब हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। अगर आपको मज़ीद मदद या कोई और सवाल हो तो ब्राह करम पूछें। नहीं दोस्त, बस उर्दू की कोई डिग्री ले लो। ताकि लोग गुमराह ना। समझ गया। उर्दू जुबान में डिग्री लेना या सीखना अच्छा और अजीम मकसद है। शुक्रिया। ले जी, हमने चैट जीपीटी को कायल कर दिया है कि उसने उर्दू सीखनी है। अब